नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में सबसे जो बेनिफिट्स होने वाले हैं, वैसे बच्चे जिन जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं, वैसे बच्चे जो अभी भी चाह रहे हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लें, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर अभी भी सीटें जो है बहुत खाली जा रही है। 6-7 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर सीटें बहुत खाली जा रही है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में खाली, हम लोग उस पर भी एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि कब आप लोगों का ओपन काउंसलिंग होने वाला है, मतलब एक तरह से फिजिकली आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहुँचना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज़ प्रोवाइडिंग द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एडमिशन थ्रू द स्पेशल ड्राइव। मतलब जो ओपन काउंसलिंग जो हो रहा है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, एंड फिजिकल मोड वही, आप चाहे वह बात करो ऑफलाइन को चाहे फिजिकल, मतलब आपको यूनिवर्सिटी पहुँचना ही पड़ेगा। अगेंस्ट द वैकेंट सीट ऑफ द एससी और एसटी कैटेगरी का, मतलब जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी का बस वही, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हैं और जो ओबीसी कैटेगरी के हैं ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए है। मैं फिर से आपको बता दूँ, आपको क्वेश्चन दिमाग में होगा कि क्या भैया यहाँ पर जनरल और ओबीसी वाले बच्चे आ सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ नहीं आ सकते हैं। इनका जो डेट है रिपोर्टिंग टाइम का वो 9 तारीख का है, सुबह 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे से 1 बजे के बीच में। सपोज़ दैट अगर आप साउथ इंडिया से हो तो मुझे लगता है आपको कल ही निकल जाना चाहिए, जिससे आप एक दिन में पहुंच सकते हो, तो अब तभी यहाँ पे एडमिशन आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई नॉन में है तो यहाँ पर वो ये ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। बाकी यहाँ वेन्यू दिया हुआ है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट आपको पहुँचना है, और ये शाम को 4 बजे तक मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा। ओके, पेमेंट ऑफ द फी एंड द बाय एडमिटेड स्टूडेंट्स जो 9 तारीख को ही, इस रात को 12 बजे तक ही पेमेंट कर देना है। और दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी, ये है सभी बच्चों के लिए जो भी एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितना भी मिनिमम एलिजिबिलिटी एरिया, जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट जहाँ पे 55% या 45% होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ग्रेजुएशन में आपका इतना होना चाहिए, और यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। देखो तो सर्टिफिकेट पे भी आप फोकस करना है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट का आपका फिर एडमिशन इसमें नहीं लिया जाएगा। यहाँ लिखा है कि इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे जो एडमिशन कैंसिल करते हैं तो उस टाइम पर आपका एडमिशन इंक्रीज, मतलब जो भी सीटें हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि कैसे होने वाला है। पहला चीज़ है CVT का वैलिड स्कोर होना चाहिए, जो ऑलरेडी बच्चे रजिस्टर किए थे काउंसलिंग के लिए। दूसरा, जो बच्चे जो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था काउंसलिंग के लिए लेकिन वो CVT एग्ज़ाम दिया था। थर्ड, उनके लिए है जिनके पास वैलिड स्कोर नहीं है CVT का, मतलब क्या है कि ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी एडमिशन यहाँ हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर जो बच्चा यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो ग्रेजुएशन के भी बेसिस पर ले सकता है। तो सीटें खाली रह रही है, तो आपका, मेरे से एक रिक्वेस्ट है आप लोग का, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं ऑफकोर्स जो भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे ये भी आ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट जो भी है यहाँ पे वेटिंग जो भी प्रिपेयर किया जाएगा, और जो भी सीट वगैरह है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स द सो दोज बी कन्वर्टेड इनटू अनदर कैटेगरी, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशंस उनके द्वारा ही उसको किया जा सकता है। जैसे हो गया कि यहाँ से चेंज करना है, जैसे कि होता है क्या है कि जनरल वाल में क्या होता है कि OBC वाले बच्चे भी जा सकते हैं, तो ऐसे करके कैंडिडेट्स जो है नीड टू कन्फर्म देयर एडमिशन टू पेइंग, तो रिक्वेस्ट बहुत सारे हैं। रात को 12 बजे तक आपको पे करना है, 10 तारीख को फिर आपको पता चल जाएगा लास्ट डेट है फील वैकेंट सीट जो है फील वैकेंट का। नो एडमिशन विल बी ऑफर्ड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन, मतलब 10 तारीख के बाद एक भी एडमिशन नहीं होने वाला, ना ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। बाकी कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे अभी भी अगर हम देखें खाली चल रही है, तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं। बाकी हम लोगों ने आप अपने वेबसाइट ऑलरेडी चेक किया होगा, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेटस ऑफ द वैकेंट सीट ऑफ द प्रोग्राम, उसके बावजूद भी सीट है अभी भी खाली है, जो आप सेकंड वाला ऑप्शन अगर देख रहे हो उसका, तो ये उसी दिन आपको आकर के यहाँ पे ज्वाइनिंग, मतलब आपको एज अ फिज़िकली पहुँचना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला, देखो यहाँ पे क्या है, मेनली जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगते हैं वो बस नॉर्मली है कि आपका फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारे जितने सर्टिफिकेट है ना ये चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आने से पहले आप जो ये स्टेटस वैकेंट सीट का है आप इस पर ज़रूर जा करके देखना, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो भी है ये उसका स्पेशल लाइव का जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, जैसे ये MCOM है, न्यूट्रिशन है, संस्कृत है, फार्मास्यूटिकल है, स्टेटिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी है, MED है, BEd,
तो ये सब भी में एडमिशन हो सकता है, ठीक है, सीट खाली यहाँ पे रह रहा है। तो जो भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है ऑफ कोर्स ले सकते हो। ग्रुप में जो भी ज्वाइन नहीं किया है आ जाओ, ज्वाइन कर लो, काफ़ी जो क्वारीज आप वहाँ पूछ सकते हो। जो भी नए चैनल पे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे आके फॉलो कर सकते हो, सारा डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।